आदमी मौके पे खत्म हो। बहन की शादी थी अभी 26 दिसंबर की, या फिर जानबूझ के मारा है, इस बात की संतुष्टि तो हमें होने चाहिए ना। हमारे घर का सदस्य गया। नमस्कार, मैं सुनीता कुमारी, आज हम जींद एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं। एक पीड़ित परिवार जो एसपी ऑफिस के बार बार चक्कर लगा रहा है, पूछेंगे क्या ये अपनी उम्मीद लेकर एसपी ऑफिस में आए हैं और क्या मामला है। हाँ जी नमस्कार जी, 9 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था शाम को 5:40 पे। अच्छा जी। और ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई थी। हाँ जी। तो उसके बारे में पोस्टमार्टम हो गया था 10 तारीख को, तो पुलिस ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की है। थाने में भी 4-5 बार हम गए हैं, एसपी साहब को भी मिले हैं, कार्रवाई का आश्वासन दिया है इन्होंने, तो थाने से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसी के बारे में एसपी साहब को मिलने आए थे हम आज ये। तो एसपी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने बोला है, 2-3 बातें उन्होंने पूछी है, उनको बताया गया है तो उसके बारे में कब हुआ था, कभी ये नहीं हुआ था, तो उसको उनको बताया गया, तो आज उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। वो उसकी पत्नी जी। अच्छा जी, आप क्या चाहते हो सरकार से? हम नहीं चाहते जी, जो मुद्दा नहीं हो, जिस तो हम एक्सीडेंट करे थे ना, मैंने पावा थी मौका पे। अच्छा जी। कभी गया उसने नहीं हुई भाई, उन्होंने ठेका दाखिल कर दूँ और पाया नहीं माने। मौके पर साथ थे, इनसे पूछेंगे क्या देखा। ऐसे जी, हम दोनों शाम को अपने गांव की तरफ आ रहे थे खेत में से। अच्छा जी। और बिल्कुल अपनी साइड में से आने लग रहे थे। ठीक है जी। और पीछे से रफ्तार से एक गड्डी आई है जिसकी बहुत स्पीड थी, तो मेरे साथ में था ऐसे, उसको साथ में उसको उसने साइड लगाई और ठा के कम से कम 40-50 फुट आगे जाके फेंकिया, तो धमाका इतनी जोर के है जैसे बम चलता है, तो मेरे को कुछ पता नहीं चला, मैं डर गया। जब मैंने देखा भी आदमी का, जब भाग के आदमी के पास गया हूँ मैं, तो आदमी मौके पे ख़त्म हो गया। और गाड़ी वाला जो है वो मतलब पूरी स्पीड से ऐसे स्पीड में चला गया, उसने रुकी नहीं, कुछ पता नहीं चला, थोड़ा अंधेरा हो चुका था तो वो भाग गया। गाड़ी का नंबर वगैरह भी है क्या? नहीं जी, उस टाइम इस तरह के मौके पर कोई भी पता नहीं चल पाया, मतलब सिर्फ आदमी की मारे को पड़ गई भी आदमी में। हाँ जी। तो पुलिस प्रशासन ने कुछ पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया था जी, फिर ये भाई जी मेरे आगे थे। अच्छा जी। और पुलिस प्रशासन आया था, उन्होंने मौके पे आने के देखा, फिर एम्बुलेंस भी के एम्बुलेंस में ठा के जींद लेके आए हैं, तो अगले दिन पोस्टमार्टम हो गए, हमारे को डेड बॉडी मिली थी। उसने भरोसा दिया भी आपका पूरी कार्रवाई करेंगे, जो आपका मौके का ही गाड़ी वाला उसको ढूंढने का काम कर। परिवार से हैं, पूछे। लास्ट टाइम में एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ पे गया तो मौके पे मेरे डैडी की डेथ हो चुकी थी। तकरीबन एम्बुलेंस भी 10-12 मिनट के बाद ही आई है, और जब उठा के हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने सुबह का टाइम दिया कि पोस्टमार्टम सुबह होगा। सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद 10 तारीख को दरखास्त जमा हो गई थी सर, उसके बाद उन्होंने 10 तारीख के बाद, आज 17-18 तारीख हो गया, अलेवा पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जब भी हम जाते हैं पुलिस प्रशासन के पास, वो बोलते हैं कि आएंगे देखेंगे, या फिर आप हमें सबूत दो या किसी पे शक हो। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें किसी पे शक है, जब हम मौके पे थे ही नहीं। कोई कार्रवाई नहीं की आपकी? मैम अगर कार्रवाई की होती तो यहाँ आने की ज़रूरत क्या होती है? एसपी ऑफिस में हमें क्या ज़रूरत थी धक्के खाने की? अगर हमें न्याय मिला होता तो हमें ज़रूरत नहीं थी ऐसे कदम उठाने की कि हम घर से सर्दी के समय में यहाँ आएँ और सारे ग्रामवासी को लेके आए हैं। जब भी कोई ऐसा काम होता है तो पुलिस प्रशासन गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं करते हैं, ये उनको ढकोसले देते हैं। अगर कार्रवाई होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उनको एसपी साहब के पास या कहीं बड़े ऑफिस में जाना पड़ेगा। क्या प्रशासन से अब क्या चाहते हो? मैम हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। न्याय ऐसे मिलेगा जब मुजरिम हमारे सामने होगा, जब उसकी गाड़ी हमें पता लगे कि उसने किस तरीके से या फिर जानबूझ के मारा है। इस बात की संतुष्टि तो हमें होने चाहिए ना। हमारे घर का सदस्य गया, मेरा पिताजी गए हैं जो हमारे पूरे परिवार को चला रहे थे। हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, और जिस बहन की शादी थी अभी 26 दिसंबर की, दुखद दुर्घटना हो चुकी है ये। इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले कि इनका कोई हम सुराग ढूंढ के दें।